जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन भले ही लाजवाब हो, लेकिन इनके सेवन से ही दिमाग कमजोर होता है। इनके अलावा कई ऐसे फूड हैं जिनका सेवन करने से भी आपका दिमाग कमजोर हो सकता है। कई बार आप ऐसे फूड का सेवन करते हैं जो आपको हेल्दी तो लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। यानी कि आप इन आहारों का सेवन करके बेवकूफ बन रहे होते हैं। इनके अधिक सेवन से सोचने की क्षमता कम होती है। इसके अलावा ये आहार शरीर की पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं और शरीर को इनसे एनर्जी भी नहीं मिलती है। तो इन आहारों को आप अपनी डाइट चार्ट से जरूर दूर रखें। तो चलिए जान लेते हैं इन्हीं आहारों के बारे में। नंबर वन दोस्तों, फास्ट फूड। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जमाने में फास्ट फूड और जंक फूड के दीवाने लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चे सबसे अधिक इन आहारों के दीवाने होते हैं। अगर घर में किसी चीज की डिमांड सबसे अधिक होती है तो वो है फास्ट और जंक फूड। इसलिए बच्चों के लिए पिज्जा, बर्गर, चिप्स आदि रोज का आहार होता है। ब्रिटेन में हुए दोस्तों एक शोध की माने तो इनका अधिक सेवन करने से बच्चों का IQ लेवल कमजोर हो जाता है और बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता भी दोस्तों कम हो जाती है। इसलिए आप फास्ट फूड का प्रयोग कम से कम करें। नेक्स्ट है दोस्तों, शुगर युक्त आहार। जी हाँ दोस्तों, दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन शुगर है। इसके अलावा शुगर डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी का भी प्रमुख कारण है। चॉकलेट, कैंडी, टॉफी आदि बच्चों की सबसे अधिक पसंदीदा चीज होती है। शोध की माने तो अधिक शुगर का सेवन करने से इंसुलिन प्रभावित होता है और यह अधिक समय तक दिमाग की कोशिकाओं को सहारा नहीं दे पाता है, जिससे भावनात्मक और विचारात्मक क्षमता कमजोर हो जाती है। थर्ड दोस्तों, बटर और सैचुरेटेड फैट। जी हाँ दोस्तों, ये दिल और दिमाग दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन अगर आपने बटर के साथ सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा का सेवन किया है तो आपकी दिमाग की कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। इस पर दोस्तों एक शोध किया गया जिसमें इन चीजों का जिसने भी अधिक सेवन किया उनकी दिमागी क्षमता बहुत कमजोर हो गई। ये शोध लगभग 4 साल तक दोस्तों चला। नेक्स्ट दोस्तों, लो कार्ब डाइट। जी हाँ दोस्तों, शायद ये बात आप सभी जानते हैं कि कार्ब हमारे दिमाग की शक्ति को प्रभावित करता है। यानी अगर आप अपने डाइट में कार्ब की कम मात्रा लेते हैं तो इससे आपकी दिमागी क्षमता प्रभावित होती है। अगर आप अपनी डाइट में कार्ब की कम मात्रा ले रहे हैं तो आप अपना दिमाग कमजोर बना रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद आहारों को कभी भी स्वास्थ्य के लिहाज से फायदेमंद नहीं माना जा सकता है, चाहे वह फलों का जूस हो या फिर सब्जियां। जो लोग दोस्तों नियमित रूप से डिब्बाबंद आहारों का सेवन करते हैं यानी कि ट्रांस फैट और रंग युक्त फूड का सेवन करते हैं, उनका दिमाग दोस्तों समय से पहले कमजोर हो जाता है। और आखिरी है दोस्तों, फ्राइड फूड। जी हाँ दोस्तों, तले हुए आहार भी हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माने जाते हैं। जो भी आप तला हुआ या फिर फैटी आहार लेते हैं वो आपके दिमाग पर असर करता है। इन आहारों का सेवन दिमाग की स्वस्थ कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करता है, जिससे आपको दिमागी समस्याएं हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे आहार जो कि आपके दिमाग को समय से पहले कमजोर बना देते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।